हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पी प्रमोद। आज मैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.3 आपको बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ओके, अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक बात कल की क्लास की बता दूँ कि मैंने कल आपको रिमाइंडर थ्योरम के मैं बताया था कि हम किसी भी पॉलिनोमियल में विदाउट एक्चुअल डिवीजन और बिना लॉन्ग डिवाइड किए हुए कैसे हम रिमाइंडर निकालेंगे, उसके लिए रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास एक्स माइनस ए जो है वो एक डिवाइजर है और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए जो है ये आपका हो गया डिविडेंड। अब डिविडेंड को हम मान लेते हैं पी एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए हो गए, और डिवाइजर को अगर हम ले लेते हैं एक्स माइनस ए को जी एक्स देन एक्स माइनस ए डिवाइजर हो गया। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस डिवाइजर को लेकर के यानी फैक्टर को लेकर के सबसे पहले हम जीरो से निकाल लेंगे यानी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स माइनस ए इक्वल टू अगर जीरो देन एक्स इक्वल टू ए। हमारे पास इस x जो है पॉलिनोमियल का वेरिएबल है और a आपका एक रियल नंबर हुआ। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है कि सर हम a का वैल्यू निकालें ना x का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर p यानी पॉलिनोमियल के ब्रेक के साथ हम ब्रैकेट में x जो दिखा रहे हैं यह आपको बतला रहे हैं कि यह एक x वेरिएबल से बना हुआ पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल में x के वैल्यू को रखेंगे। जहां जहां आपका x है वहां पर अब a को हम पुट करेंगे, a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू ए माइनस ए, a क्यूब प्लस सिक्स ए माइनस फाइव। हम जो पॉलिनोमियल लिए हुए इसको ध्यान से देख लेंगे कि अगर प्लस माइनस की अगर गलती हो गया तो फिर आपका जो सोल्यूशन निकलेगा वह भी आपका गलत होगा। हम ए क्यूब देख रहे हैं सेम टर्म्स हैं, प्लस और माइनस है, इसको इसमें से काट दिए, सिक्स ए माइनस ए बचा, सिक्स ए में से ए को माइनस करते हैं फाइव ए, और इस तरह से हमारा जो रिमाइंडर हुआ वह हुआ 5a। स्टूडेंट्स, अगर हम इस रिमाइंडर थ्योरम के इस्तेमाल करते हुए डिवाइजर का जीरोस निकाल करके जब पॉलिनोमियल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका बिना लॉन्ग डिवाइड किए हुए आपका पॉलिनोमियल्स में क्या रिमाइंडर होगा वहाँ पे निकल गया है। इसलिए आप हमेशा इस प्रोसेस का जरूर इस्तेमाल करेंगे। दैट्स ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले एक्सरसाइज में आपको रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसको बताया था, और आज रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम फैक्टर थ्योरम का वैल्यू को समझेंगे समझने की कोशिश करेंगे। हम एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन ए फैक्टर। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उस पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर है कि नहीं है, यह जानने के लिए हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर हम रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं और रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करने के बाद में अगर हमारा रिमाइंडर जीरो होता है तो हम समझ जाएंगे कि वह जो फैक्टर है वह उसका फाइनल डिवाइड कर रहा है यानी उसका कंप्लीटली उस नंबर से डिवाइड हो रहा है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू।
ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल यानी डिविडेंड। इस डिविडेंड का x प्लस वन जो है फैक्टर है कि नहीं, यानी वह कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है कि नहीं हमें देखना है। इसको मान लेते हैं जी एक्स इक्वल टू x प्लस वन। हम इस डिवाइजर का फिर वही बात बता रहे हैं आपको कि इस डिवाइजर को लेकर के सबसे पहले इसके जीरोस निकालेंगे। तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस वन। हमने जो x प्लस वन से जीरोस निकाला वहां पर x का वैल्यू क्या निकल रहा है, माइनस वन। अब इस माइनस वन को लेकर के हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पुट करने के बाद देखते हैं कि हमारा अब रिमाइंडर क्या आ रहा है। हम यहां पर माइनस वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर प्लस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। हमने इस पॉलिनोमियल में क्या किया कि जो भी हमारे पास एक्स का वैल्यू है उस एक्स के जगह पर माइनस वन को रख दिया। माइनस वन रखने के बाद में माइनस वन का क्यूब हो गया आपका वन, माइनस वन के स्क्वायर दैट इज प्लस वन, ए वन हो गया। इस माइनस वन के साथ टू प्लस रूट टू में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाता है माइनस टू, आदि हो गया माइनस रूट टू अब प्लस रूट टू। अब इस पर ध्यान से देखना है कि रूट टू और माइनस रूट टू ये दोनों हमारा प्लस माइनस कट गया। यहाँ देख रहे हैं क्या कि माइनस वन माइनस वन माइनस टू, यानी हमारे पास जितने भी टर्म्स वो निगेटिव हैं और सभी का निगेटिव का सम हो गया माइनस फोर। हम देख रहे हैं कि जैसे ही इस एक्स माइनस वन का इस्तेमाल एक्स प्लस वन के इस्तेमाल हमने इस पॉलिनोमियल में किया तो हमारे पास रिमाइंडर के रूप में माइनस फोर आ रहा है। यानी माइनस फोर जब आ रहे थे वह जो है नंबर जीरो का इक्वल नहीं है। अगर कंप्लीटली डिवाइड होता तो हमारा क्या हो जाता, जीरो होता। लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं है तो वह नंबर हमारा डिवाइजर के रूप में नहीं काम कर रहा है, यानी वह कंप्लीट उसको डिवाइड नहीं कर रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, नो x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर। फिर मेरे बात को समझेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार से अगर वह कंप्लीटली डिवाइड होता तो हमारा रिमाइंडर जीरो आता, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा है इसलिए वह फैक्टर जो है पॉलिनोमियल का नहीं है, या फैक्टर हमारा डिवाइड कंप्लीट नहीं कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच केस। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और पॉलिनोमियल का कोई नंबर फैक्टर है कि नहीं है, पॉलिनोमियल फैक्टर है कि नहीं है, यह हमें जांच करना है। और जांच करने के साथ साथ हमें वहां पर के का वैल्यू भी निकालना है। ध्यान से देखेंगे, x ऑलरेडी हमारे पास एक वेरिएबल है और इसके साथ साथ k भी एक वेरिएबल है। हम यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन नंबर वन की तरह ही वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, यानी रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते समय क्या क्या ध्यान देना है उस पर समझेंगे आप। जैसे हम पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, ये आपका हो गया एक पॉलिनोमियल। अगर यह पॉलिनोमियल है और एक्स माइनस वन से अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका जो रिमाइंडर होगा वह जीरो होगा। ध्यान से मेरी बात को देखेंगे, यहाँ पर के को निकालने के लिए हम रिमाइंडर के रूप में पहले से ही जीरो को कंफर्म कर लेना है कि अगर जीरो है तो अब जाकर के इसको हम के का वैल्यू को निकालेंगे। उसके बाद एक्स माइनस वन हमारा क्या है, एक डिवाइजर है, इसको हम लोग जी एक्स मान लेते हैं। और जी एक्स मानने के बाद में फिर हम इस एक्स माइनस वन से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के अनुसार से एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ जीरो लेंगे, देन एक्स इज इक्वल टू वन। अब हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे।
यहाँ पर इक्वेशन तैयार हो रहा है a into 1 square minus root 2 into 1 plus 1 equal to 0. k into 1 square, that means k minus root 2 plus 1 equal to 0. अब k वेरिएबल के अलावा जो भी हमारा रियल नंबर है उसको हम लोग एक साइड में लेकर चले जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड में अगर वेरिएबल तो राइट साइड में हम कॉन्स्टेंट को लेकर चले जाएंगे. तो k इक्वल टू रूट टू है तो प्लस टू, और प्लस वन है तो माइनस वन, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि k का वैल्यू जो निकला रूट टू माइनस वन निकला. अब इस दोनों क्वेश्चन में आपको कंपेयर करके देखना है या कि दोनों में अंतर हमने क्या देखा. इसमें सिर्फ हमें डिटरमाइन करना था कि वह फैक्टर है कि नहीं है. अगर जीरो हुआ तो यस, जीरो नहीं हुआ तो नो. लेकिन दूसरे क्वेश्चन में हमें x माइनस वन एक फैक्टर है, और फैक्टर है तो k का वैल्यू क्या होगा वो निकालना था. और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल को हम इक्वल जीरो देकर के बनाएंगे. स्टूडेंट्स आप कोशिश जरूर करेंगे ऐसा ना हो कि यह क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से बनाएं और इसको दूसरे तरीके से. आपका जो जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, जो जो स्टेप बताया जा रहा है, उस स्टेप के अनुसार से चलेंगे तो उम्मीद है कि आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा. और इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है. आपके बुक में कुछ ईजी भी है, लेकिन अगर आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए. लेकिन आप एकदम इस स्टेप्स को सही ढंग से याद रखेंगे, आपको कहीं गलत